हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट क्लास टेंथ चैप्टर वन का एक यूनिक सा क्वेश्चन करेंगे छोटा सा क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म सिक्स रेस्ट टू द पावर एन अगर कोई नंबर सिक्स रेस्ट टू द पावर एन की फॉर्म में है वेयर बिलोंग्स टू इसका क्या मतलब है टेंथ के बच्चों को थोड़ा सा समझा देता हूँ इसका मतलब है जो स्मॉल एन है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ये जो एन है वो एक नेचुरल नंबर है मतलब सिक्स की पावर वन टू थ्री ऐसे एन जो है हमारा चेंज होता रहेगा तो आपको ये बताना है ये दिखाना है कि एन की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे कि आंसर जीरो से एंड होगा जैसे सिक्स का क्यूब टू वन सिक्स है तो एंड में जीरो तो नहीं है ना तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एंड में जीरो आएगा यह हमारा क्वेश्चन है तो हमें दिखाना है तो आपको एक बात समझ मानी चाहिए कि कोई भी नंबर के एंड में अगर जीरो है तो इसका मतलब है टेन उसका एक फैक्टर होना चाहिए ठीक है तो हम ऐसे लिख देते हैं इफ सिक्स की पावर एन एंडस विद जीरो अगर ये जीरो से एंड करेगा तो इट मस्ट हैव इट राइटिंग पर ध्यान रख देना मस्ट हैव टू एंड फाइव एज फैक्टर्स टू और फाइव दोनों इसके फैक्टर होने चाहिए लेकिन हम सिक्स की पावर एन के फैक्टर करते हैं तो हम क्या देखते हैं टू इन थ्री ये बट ये हमें क्या दिखा रहा है ये हमें दिखा रहा है कि इसके जो फैक्टर हैं वो बस दो ही हैं एक टू और एक थ्री तो अब इसको हम देखो ऐसे लिखेंगे बट ये जो शो कर रहा है हमें वही कर रहा है कि टू एंड थ्री आर द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ सिक्स रेस्ट टू दावर एंड कि टू और थ्री ही इसके प्राइम फैक्टर है ऑल्सो वी नो दैट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ये सबसे मेन पॉइंट है जो समझना है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक हर नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन जो है यूनिक होते हैं यानी ये टू और थ्री यूनिक है जब टू और यूनिक फाइव तो हो ही नहीं सकता इसके अंदर सो फाइव इज नॉट फैक्टर ऑफ की पावर एन तो इसका मतलब इसका फैक्टर नहीं है और जब फाइव फैक्टर नहीं है तो सिक्स की पावर एन कैन नेवर एंड विद द डिजिट जीरो इसलिए सिक्स की पावर एन कभी भी जीरो से एंड नहीं होगा तो ये मैंने आपको समझा दिया है बस थियोरिटिकल क्वेश्चन है सभी को समझ में आ गया होगा आप रिपीट कर सकते हो और स्क्रीन पे प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी चैप्टर वन की जहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एस और एल से रिलेटेड जिसमें वर्ड प्रॉब्लम भी मिल जाएंगी आपको तो वहां से आप वो भी देख सकते हैं जिन स्टूडेंट्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हमारे चैनल पे नाइन्थ से ट्वेल्थ तक ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको मैथ्स के मिल जाएंगे एन और एन सी एग्जाम्पलर के थैंक यू वेरी मच